हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ को हम लोग जारी रखेंगे और नीचे कमेंट करके मैं जानना चाहता हूं कि आप जो है इंग्लिश की भी वीडियो लेना चाहते हो क्या। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर की कुछ अगर वीडियोज आपको चाहिए लास्ट समय के लिए तो नीचे कमेंट करके इंग्लिश ग्रामर जरूर लिख दें ताकि मैं समझ जाऊँ। और कम से कम 20 लोगों ने अगर कमेंट कर दिया तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीएम किसान सम्मान सम्मेलन की। जी हाँ, पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन को जो है संबोधित किया है, इनॉग्रेशन किया है इसका। देखिए कहाँ पर किया है, ये किया गया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन देखिए ऐसे आता है एग्जाम में, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है लेकिन आपसे पूछ दिया जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आपको जवाब देना है कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। और देखिए पीएम मोदी ने रिलीज करा है 12th स्टेट इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो 2000 रुपये कर करके मिलते हैं तो उनमें से जो है 12th इंस्टॉलमेंट इन्होंने जो है जारी कर दी है ताकि सारे लोगों के अकाउंट में ये 2000 रुपये पहुँच जाएँ, किसान लोगों के अकाउंट में 2000 रुपये पहुँच जाएँ। आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्णा मांजरा एंड प्राहिता आर ट्रिब्यूटरीज। देखिए ट्रिब्यूटरीज उसे बोला जाता है जो सहायक नदियां होती है ना, बड़ी नदी की सहायक नदियां होती है। तो देखिए ये किसका राइट आंसर क्या होगा, चंबल, इंदस, गोदावरी या यमुना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा गोदावरी। ये क्या है, सारे गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको बस ये बताना है कि इन जो चार वैलीज के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कौन सा हिमालय में नहीं है। देखिए नॉट बोल दिया है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो प्लीज़ थोड़ा सा सेंसिबल और थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करो, नॉट जहाँ पर लिखा हुआ है उसे पढ़ लें, पूरा मीनिंग ही चेंज कर जाता है ये नॉट, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दूं 99 रुपीज़ में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है एक्वायर कर सकते हो। योर मिथुन सिंह @gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ योर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। CSV मैंने 3 times क्वालिफाई किया है इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं एग्जाम के पहले, तो आपके लिए जरूरी ही आपको उलट पुलट कर देख लेना चाहिए नोट्स को। अगर आपने नोट्स खुद से भी तैयार किया तो भी आपको देख लेना चाहिए। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन 2020 वर्ल्ड कप में। देखिए ये डेब्यू करने वाले हैं, एक्चुअली ये कर चुके हैं, सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन है, अफजल खान, स्टेफन बार्ड या फिर लोहान या फिर सारिज अहमद। तो देखिए यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे, ये देख लीजिए इनको, आपको जो है इनकी फोटो आपको यहाँ से दिख रही होगी। और ये कौन है, ये T20 जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और ये UAE के ऑलराउंडर हैं जिनका नाम है अयान अफजल खान। क्या नाम है इनका, अयान अफजल खान, जो कि बहुत ही कम एज में इसको क्या करेंगे, ये टूर्नामेंट के स्टार्ट करेंगे और ये जो है यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, UAE की ये क्रिकेटर है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडियन बैट्समैन रॉबिन उथप्पा। जी हाँ, रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, IPL भी ये नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। ये किस स्टेट से आते हैं, तो कर्नाटका से आते हैं। एग्जाम में बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच बांग्लादेशी क्रिकेटर हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो रुबेल हुसैन, जिन्होंने इन्होंने भी जो है क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। विच कंट्रीज ऑथर सेहान कारून तलीलाका हैज़ वन द 2020 बुकर प्राइज। देखिए बुकर प्राइज मिलता है नोबेल के लिए, इंडिया की ओर से सबसे पहले जो बुकर प्राइज है किसको मिला था, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। फर्स्ट बुकर प्राइज विनर इन इंडिया, आपको नाम बताना है उस ऑथर का। फिलहाल इनको जो नोबेल मिला हुआ है, जिस नोबेल के लिए इनको अवार्ड मिला है उसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस बुक के लिए इनको अवार्ड मिला है, तो इसे भी याद रखना है आपको। तो ये बताना है आपको कि ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या श्रीलंका के हैं। तो देखिए यहाँ से आप इसका आंसर जान पाओगे, ये श्रीलंकन ऑथर हैं और श्रीलंका में फाइनली कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है कि फाइनली यहाँ के जो ऑथर हैं उनको नोबेल प्राइज बुकर प्राइज मिल रहा है। यहाँ पे तो बहुत दिनों से जो है पेट्रोल लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए थे, यहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। और आपके लिए एक बोनस पॉइंट ये है कि आप लोग श्रीलंका के करंट जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नीचे कमेंट करके अगर किन्हीं को पता हो तो बता दीजिए, नहीं अगर आपको पता है तो पेन पेपर पे लिख लीजिए, एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा। स्वाति पिरामल हैज़ बीन अवार्डेड द हाइएस्ट सिविलियन
ऑनर ऑफ विच कंट्री, तो फ्रांस से इनको जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है करंट अफेयर्स में, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं आपको याद होगा। द फर्स्ट वुमेन हु वॉन द बुकर प्राइज ट्वाइस हैज पास्ड अवे रिसेंटली, दो बार इन्होंने जो है बुकर प्राइज जीता हुआ ये महिला है, इनका नाम क्या है, हिलेरी मांडे इनका नाम है। नीचे कमेंट करके आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। मैंने पूछा था बुकर प्राइज सबसे पहले इंडिया में किसने जीता था, महिला के बारे में भी बता दीजिएगा और मेल के बारे में भी बता दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इन विच इंडियन सिटी द 19th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल हैज बीन हेल्ड होस्टेड बाय इंडिया, इंटरपोल की जो मीटिंग है जनरल असेंबली की वो इंडिया में हुआ था, कौन से सिटी ने इसे होस्ट किया है, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, रांची या मुंबई। तो देखिए यहाँ से जो राइट आंसर आप देख पाओगे, पीएम मोदी एड्रेस द 19th इंटरपोल जनरल असेंबली, ही सेड दिस टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ एन इंडिया एंड इंटरपोल। पीएम मोदी सेड दैट द वर्ल्ड विल हैव टू यूनाइट अगेंस्ट टेरर, यानी कि इन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होने का समय आ चुका है और हम लोग एकजुट होकर जो है आतंकवाद से लड़ेंगे। यहाँ से देख लो आप, न्यू दिल्ली में इसका जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था, जनरल असेंबली की हुई थी। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ फ्लैग्ड ऑफ फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड इन न्यू दिल्ली, तो अमित शाह ने जो है इसे फ्लैग ऑफ किया था यानी झंडा दिखाया था। विच यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर हैज़ रिसेंटली वन द टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022, तो देखिए रश्मि साहू है, इनको जो है बेस्ट टाइम अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया, बेस्ट एंटरप्रेन्योर के तौर पर सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट इन ईयर 2023, 2023 में एशिया कप जो है कहाँ पे आयोजित होगा, चाइना में, सिंगापुर में, कतर में या इंडोनेशिया में। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे, तो कतर जो फुटबॉल ये एसोसिएशन है वो अनाउंस कर चुका है कि हम लोग जो है इसे क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो देखिए शेख सलमान यहाँ के क्या हैं, शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, बहुत बड़ा नाम है तो याद तो कर ही लो आप, क्योंकि अब नाम बड़ा है तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग, सलमान बिन एटलीस्ट तो आप याद रख लो। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल फुटबॉलर टू प्ले इन द UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग, तो देखिए इनका नाम है मनीषा कल्याण, जो कि पहली बार, ये पहली इंडियन फीमेल फुटबॉलर है जो कि खेलेगी। विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल कंपिटिशन, तो इंग्लैंड ने इसे जीत लिया था, यूरोपियन वाला जो हुआ था। विच फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ अनाउंस्ड टू कन्फर द प्रेस्टिजियस अनुव्रत अवार्ड फॉर 2022, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मिलेगा, शंकर दयाल शर्मा को, प्रणब मुखर्जी को या APJ अब्दुल कलाम को, राइट आंसर अब्दुल कलाम होगा, डी इज द राइट आंसर। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, ये देख लीजिए APJ अब्दुल कलाम की फोटो, पूरे देशवासियों को इनके तरह बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच कंट्रीज मैथमेटिशियन मारियाना हैज़ won the prestigious फील्ड मेडल 2022, तो देखिए यूक्रेन से ये हैं और इन मैथमेटिशियन को अवार्ड मिला हुआ है। हु हैज़ बिन गिवेन द प्रेस्टीजियस सेरोमनी अवार्ड, तो देखिए माइकल पुनावाला को जो है ये अवार्ड मिला हुआ है। और जाते जाते एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, द इंड ऑफ इमेजिनेशन किस बुक, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, चेतन भगत, अमिताभ घोष, अरुंधति राय, शोभा डे, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, नीचे कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताइएगा। जाते जाते फिर से एक बार दोहरा दूँ, 99 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका हाथ जोड़कर शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।